Hey guys, welcome to my beauty channel Ujarai Makeup Video में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ after a very long time haul video। ये है रक्षाबंधन haul video। मैंने shopping करी है Myntra से, Amazon से। तो वैसे guys मैं haul video बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें आपको makeup videos में ही दिखा देती हूँ। तो I'm like कि यार फिर haul video क्यों बनाना जब मैं आपको makeup tutorial में ही सब कुछ बता देती हूँ। ये रहे कुछ products जो कि आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ, करने लगी हूँ। चलो तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो मुझे माइक गिफ्ट कर दो कोई अच्छा सा। मेरे उन व्यूअर्स के लिए है ये मैसेज जो कि मुझे अभी देख रहे हैं और जो कि नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं। मतलब मुझे हो गया है 5 years गाइस यूट्यूब में। मेकअप ट्रेंड तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है गाइस, क्योंकि वी गर्ल्स लव टू डू मेकअप। वी वुमेन, सॉरी नॉट गर्ल्स, आई एम नॉट अ गर्ल एनीमोर। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन हिट करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि उससे आप नोटिफाई होंगे कब मेरी वीडियोज आती हैं, है ना। और ये बाल मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है, मेरे बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं गाइस। आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा इंस्टाग्राम कहाँ है, काफी टाइम से मैं नजर नहीं आ रही हूँ। तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया है। अभी मैंने नया वाला पेज बनाया है जिसमें बिल्कुल भी कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है। तो आप वहां मुझे फॉलो कर दीजिए। मैं यहाँ पे या तो यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी लिंक नहीं सॉरी पेज, पूजा राय डेल ऑफिशियल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हॉल से गाइस। मैं सबसे पहले तो आपको छोटी मोटी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है, देन मैं बड़ी बड़ी चीजें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी लैशेस से जो कि मैंने अमेजोन से लिए हैं। और ये लैशेस और ये जो मैंने अभी लगाए हुए हैं, ये दो लैशेस मैंने ऑर्डर किए थे गौरी कॉस्मेटिक्स से है गाइस, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं कौन से लैशेस करेंटली अप्लाई करती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में, तो इट्स दी गौरी कॉस्मेटिक लैशेस। ये आपको मिल जाएंगे 400 की रेंज में जो कि सुपर अफोर्डेबल है। मतलब जो मैं पहले यूज करती थी बहुत ही एक्सपेंसिव वाले लैशेस 3-4 thousand के, उससे तो मैं कहूंगी कि सुपर अफोर्डेबल है। एंड यस गाइस ये बहुत ही लाइट वेट है, आप देख सकते हो अभी मैंने लगा रखा है। जो लैशेस मैं लेती हूँ अमेजोन से गाइस वो होते हैं ब्राइडल कलेक्शन। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इट्स दी ब्राइडल कलेक्शन। ये थोड़े से फ्लफियर होते हैं, ये आंखों को और ज्यादा यू नो सेक्सी लुकिंग बिल्कुल हाईलाइट कर देता है। इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट तो मैं कहूंगी अफोर्डेबल रेंज में आप ये लैशेस ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मैंने लैशेस दे दिए थे एंड क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैं लैशेस के पैसे आपको बाद में दे दूंगी। मेकअप का उसने पे कर दिया था बट लैशेस मेरे ले गई एंड शी डिडंट पे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है गाइस, तो आप पहले ही लैशेस के पैसे इंक्लूड कर लेना अपने मेकअप चार्जेस में। 5 साल हो गए हैं मुझे मेकअप करते आए हुए तो इसीलिए अब मुझे लैशेस अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इतने हैवी लैशेस अप्लाई करके बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आई डोंट फील शाय, आई डोंट हेजिटेट टू यू नो गो आउट वेयरिंग दीज काइंड ऑफ लैशेस। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। दिस इज द 602 में आप देख सकते हो, दिस इज वे टू फ्लफियर। अभी ये मैंने खोला नहीं है, इस तरह से पैक है ये, यहाँ से कट करना पड़ेगा देन ओनली आई कैन ओपन इट। बट ये वाला मैंने ओपन किया हुआ है तो आप देख सकते हो ये है 80 नंबर, ठीक है, D80 में है ये। मुझे D वाले जितने भी वहाँ पे रेंजेस है मुझे अच्छे लगते हैं, वहाँ पे W में है, D में है, काफ़ी सारे रेंजेस हैं। लैशेस के बारे में काफ़ी बता दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू, लाइक वेरी फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स। तो मैंने गाइज रेने के 2 प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं अमेजोन से, और ये है रेने का फेस बेस इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल में दिखा वहाँ पे, तो आई वाज लाइक कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये है हाइड्रेशन प्लस प्लम्पिंग इफेक्ट विथ मका रूट्स के साथ। ओ माय गॉड काफ़ी सारा निकल गया ये देखो। और ये आई थिंक देर इज़ सम काइंड ऑफ शेड इन इट। अच्छा इसमें देर इज़ नो शेड गाइज, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि दिस इज़ द इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जो कि हाइड्रेट, स्मूद और ब्राइटन करेगा और ड्यूई स्किन बनाएगा, ठीक है। पिंकिश कलर में है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इफ इट्स विजिबल और नॉट, सी पिंक शेड में है। इफ़ आई ब्लेंड दिस, देखे ज़रा क्या रिजल्ट आता है, सी ड्यूई लग रही है मेरी हाथ, मेरा हाथ बहुत ही ड्यूई लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी ड्यूई लगेगी गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये रहने की है ये टॉक मैट क्रेयॉन लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड मजेंटा ग्लेज में। मैंने जैसे निकाला इसका कैप ही नहीं है, ऐसे ही नीचे आ गया, बाहर आ गया।
Where the इसका कैप अंदर रह गया है. एनी वेज लीव इट गाइज. आप देखो ये है इस तरह से क्रेयॉन में. मुझे ये कलर वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आई लव मैजेंटा काइंड ऑफ कलर ना. इज इट रियली पिगमेंटेड और नॉट? वाओ गाइस सी. अरे भाई फोकस हो जा भाई. छोड़ो नहीं हो रहा गाइस फोकस. ऐसे देख लो आप ठीक है. ओके सो ये दो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अमेजोन से लिए हैं एंड मैं आपको मेरे ट्यूटोरियल में दिखा दूंगी यूज़ करके. ओके देन मैंने अमेजोन से लिए हैं ये कैरेट काट हाउस ऑफ ज्वेल्स से. बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स गाइस. इयररिंग प्लस मांग टीका. मुझे काफ़ी टाइम से मेरी नज़र टिकी हुई थी इसमें लाइक कि मेरे को लेना है तो मैंने ले ही लिया फाइनली. एंड सी दिस इज सो ब्यूटीफुल. बहुत ही अफोर्डेबल में आपको अमेजोन में मिल जाएगा गाइज. लुक एट द मांग टीका. वाओ सो प्रिटी गाइज. आपको मेरी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस में दिखा दूंगी. फेस्टिवल अभी पीरियड चल रहा है तो आई वाज लाइक कि चलो एक बार सूट की शॉपिंग करते हैं. सूट्स वगैरह शेयर करती हूँ मैं अपनी बहनों के साथ अपने व्यूअर्स के साथ. ओह ये मैंने ओपन ही नहीं किया हुआ. लेट्स ओपन दिस. राखी के लिए तो राखी भी तो मैं आपको दिखाऊंगी ना. तो मैंने ली है मेरे भाई भाभी के लिए राखी. पहले ही ऑर्डर कर दिया मैंने. झिकझिकबाजी नहीं होती ना कि जाओ फटाफट दुकान में जाके ले लो. और फिर क्या होता है ना राखी से एक दो दिन पहले मैं राखी लेने जाती हूँ तो काफ़ी महंगी पड़ती है. राखी कह रही थी बट ठीक है. इस बार मैंने सोचा कि मैं मिंत्रा से ही मंगा लेती हूँ. एंड मैंने भी अभी देखा खोल के. वाओ ब्यूटीफुल और काफ़ी अफोर्डेबल है ये राखी. ये देखो ये वाली जो है ये राउंड में जो आपको देख रहे होंगे ना ये मैं भाई को पहनाऊंगी. दिस वन आई डोंट नो गाइस. मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कृष्ण जी बने हुए हैं. कृष्ण जी का कुछ मुकुट टाइप बना हुआ है. कृष्ण जी का जो मुकुट जैसा बना हुआ है ये मैं किसको पहनाऊं, भाभी या भाई को? आप या आप ही मुझे बता दो कमेंट करके कि कृष्ण जी मुकुट वाला पहनाना चाहिए राखी या नहीं और किसको पहनाना चाहिए, भाई को या भाभी को. हल्का सा लाइक स्वर्ल डिज़ाइन है और स्टोन्स लगे हुए हैं. सी ये राउंड में. सो आई डोंट नो. देखते हैं मम्मी जो कहती हैं या मेरे व्यूअर्स जो मुझे बताएंगे मैं वैसा ही करूँगी. सिर्फ दोनों में ये लिखा हुआ है गाइस कि फॉर माई डियर ब्रदर. और इसके साथ ये भी मिला है, रोली मिला हुआ है, चावल चंदन है ये एंड दिस इज द मिश्री. यहाँ पे ऐसा मैसेज भी लिखा हुआ है. इसके साथ मुझे रोली चावल चंदन मिश्री सब मिल गए हैं. और अगर वैसे अगर मैं दुकान में जाके लूँगी तो मुझे नहीं मिलेगा, सिर्फ राखी ही मिलेगी. और ये मैंने लिया है आई थिंक 190 समथिंग अराउंड. वहाँ पे थोड़े वैसे टाइप के भी थे लाइक बैंगल टाइप के थे और नीचे से लटकन थे. वो मैंने आई थिंक पिछली राखी में पहनाया था, पिछले साल की राखी में. तो इस बार मैंने सोचा कि यार मैं दोनों ही सेम पहना देती हूँ, लाइक टाई अप करने वाला ही जो होता है थ्रेड वाला ना. तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिंत्रा के हैं. ठीक है अमेजोन के बस यही प्रोडक्ट थे जो मैंने परचेस किए हैं. अब है यहाँ पे मेरे पास, ये मैंने ओपन नहीं किया हुआ है. ओपनिंग राइट अवे विद यू गाइज. मॉडर्न ट्रेडिशनल ज्वेलरी. अब ये मेरे लिए हैं. कुछ गिर गया तो बिल गिर गया. अच्छा तो ये मैंने मंगाए हैं इयररिंग्स जो कि मैं राखी वाले दिन वेयर करूँगी. कितनी खुशी होती है ना यार रक्षाबंधन की, भाई दूज की. गाइस हमारे में लाइक ज़्यादा जो माना जाता है वो भाई दूज होता है. भाई टीका कहते हैं हमारे में तो ज़्यादा मानते हैं हम लोग. अगर कोई नेपाली व्यूअर देख रहा है मुझे मेरी वीडियो तो मुझे बताना कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है राखी या नहीं. अच्छा ठीक है. सो दिस इज़ द इयररिंग. ये देखो ये मैं पहनने वाली हूँ राखी वाले दिन. वाओ बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है यार. कांट वेट टू ट्राई देम गाइस. एंड ये भी मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में लिया है मिंत्रा से. आई थिंक दिस वाज अराउंड 200 समथिंग. अब ये मैंने टी शर्ट मंगाई है गाइस. ये राखी के लिए नहीं है, ये है वही मैंने मंगा दिया. लाइक मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ और मुझे स्टूडियो से घर जाना होता है और इतनी सड़ी गर्मी में मेरे को मन करता है ना थोड़ी ओवरसाइज टी शर्ट पहनूँ मैं. तो इसलिए मैंने ओवरसाइज टी शर्ट ऑर्डर किया है और मैं मोस्टली मिंत्रा से ही ऑर्डर करती हूँ गाइज. दिस इज़ दी ओवरसाइज टी शर्ट और काफ़ी स्ट्रेची है. ये देखो ये मैंने ये पावर पफ कर्ल वाला मंगाया है. सच
प्रिटी टी शर्ट गाइस, देख रहे हो आप, पावर पफ गर्ल। और इसमें लिखा हुआ है लॉस एंट फॉर मी, एक्स्ट्रा स्मॉल है और काफी बड़ी लग रही है टी शर्ट ये देखो। एंड यू नो वाई, बिकॉज इट्स ओवरसाइज टी शर्ट, तो ओवरसाइज टी शर्ट थोड़ी लूज ही आती है, सो इट्स बेटर कि जब आप टी शर्ट्स लें उसका साइज तो यूजली वेयर करते हो, लाइक नॉट दी ओवरसाइज वन, नॉर्मल टी शर्ट्स जो होते हैं, नॉर्मल टॉप्स वगैरह जो ट्रेंडी टॉप्स होते हैं ना, स्टाइलिश वाले, अब वो तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही लेते हो गए, लाइक मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, जैसे मैं मीडियम पहनती हूँ, नॉर्मल जो स्टाइलिश वाले टॉप्स होते हैं, क्रॉप टॉप्स, ठीक है, समटाइम्स मीडियम समटाइम्स स्मॉल, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये ओवर साइज है तो इट्स गोना बी लाइक वे टू लूजी लूजी वाला फिट, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया एक्स्ट्रा स्मॉल। और एक और होता है XX स्मॉल, तो वो फिर थोड़ा सा टाइट फिटिंग वाला आ जाएगा, बट वो भी ठीक है, डिपेंड्स कि लाइक फैब्रिक कैसा है। इसमें मेंशन किया हुआ था कॉटन, ठीक है, तो ये मुझे लाइक वो प्रॉपर कॉटन नहीं लग रहा, कॉटन ब्लेंड होता है ना वैसा कॉटन फैब्रिक लग रहा है गाइज, बट ठीक है, चलता है, काम चलाओ, घर में ही पहनना है, कहीं बाहर नहीं जाना पहन के, बट आप बाहर भी पहन के जा सकते हो, लाइक शॉर्ट्स के साथ बहुत क्यूट लगेगा, जो जीन्स वाले शॉर्ट्स होते हैं ना उसके साथ, वेरी प्रिटी टी शर्ट यार, आई लव इट, एंड स्पेशली आई लव हर। लास्ट प्रोडक्ट है गाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे मच्छर काट रहे हैं पैर में, आपके साथ ही ओपन करते हैं इसको भी, रक्षाबंधन वाले दिन पहनने वाली हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो मैं पहनूंगी, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर एक्सचेंज करवाऊंगी या रिटर्न ही करा दूंगी। चर बहुत ज़्यादा हो रही है, एक ही बार में निकाल दिया मैंने। वाओ, प्रिटी काला, तो ये मैंने ग्रीन में मंगाया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर गाइज, और मैं आपको बता दूँ ये अनारकली सूट है, और अनारकली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं समर टाइम में, मैं लाइक वो स्ट्रेट कुर्तीज़ जो होती है ना, ए लाइन वाली कुर्तीज़, वो इतना नहीं पहनती हूँ मैं, मतलब ज़्यादातर मैं अनारकली ही पहनती हूँ, मेरे पे ना अनारकली सूट बहुत अच्छा लगता है, एंड थोड़ा लूज सा होता है तो मुझे अच्छा लगता है समर टाइम में ना, कंफर्टेबल होते हैं, और कॉटन वाले मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, ये भी मैंने कॉटन में मंगाया है, फैब्रिक इज कॉटन, सी डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है इसका, ये मिंत्रा से मंगाया गाइस मैंने, ठीक है, वाओ प्रिटी, आई लव द कलर, पेस्टल ग्रीन कलर है गाइस, ये नीचे का है देखो, नीचे इस तरह से डिज़ाइन है और ऊपर नेक में इस तरह से डिज़ाइन है और स्लीव्स में इस तरह का डिज़ाइन है, वाओ, और पीछे इस तरह से है, ठीक है, अब मुझे इतना अच्छे से डिस्क्राइब करना नहीं आता, डिस्क्राइब बोलेंगे एक्सप्लेन बोलेंगे कपड़ों के बारे में, तो मैंने ऐसे ही यू नो कैजुअली बोल दिया, इस तरह से, तो आप समझ जाइए किस तरह से, ठीक है, और इसके साथ ही दुपट्टा दिया हुआ है, मुझे ना कॉटन सूट्स के दुपट्टा बहुत पसंद आते हैं गाइस, ये देखो, ओह माय गॉड, और दुपट्टा में बहुत ही प्यारा काम है, ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल यार, मुझे हल्का सा डाउट हो रहा था कि मेरे को पसंद आएगा नहीं आएगा ये सूट, बट मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, हाय रब्बा, मैंने नज़र ना लगे, कैसा लग रहा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है यार ये दुपट्टा, हाय संस्कारी बहू, कब बनूंगी मैं, फैब्रिक इज वे टू गुड गाइस, वे टू कम्फी, अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ पैंट, ठीक है, और नीचे का आप देख लो, ये डिज़ाइन है इस तरह का, सारे में फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, मैं मीडियम ही वेयर करती हूँ, लार्ज भी अगर लिया तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे लूज़ हो गया तो फिर मैं टेलर को जाके थोड़ी सी फिटिंग करवा लेती हूँ सूट्स में, बट आई थिंक मीडियम फिट्स परफेक्टली, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक सूट मंगाया था गाइज, इसी तरह का जो अनारकली सूट होता है ना, उसका मैंने आई थिंक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है, एक ड्रीमम वेकअपम वाले लुक में ना, मैंने जो लास्ट में जो लुक मैंने शेयर किया उसमें मैंने उस सूट पहना हुआ है, आई थिंक अभी पड़ा होगा यहीं पे कहीं सूट, दिखाऊं क्या आपको, खा देती हूँ, चलो आ गई मैं लेकर गाइस, वैसे ये जो सूट है ना ये मैंने राखी के लिए लिया था, पर मैंने शिवरात्रि वाले दिन पहन लिया इसको, तो इसलिए मुझे फिर एक और लेना पड़ा, हाय कितनी पैसे वाली हूँ मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट अब जो यूज़ कर लिया है तो फिर अब राखी के लिए तो ऑब्वियसली नए कपड़े पहनूंगी ना मैं, साल में एक ही बार तो आता है राखी, वैसे भी भाई दूज भी आएगा, दिवाली भी आएगी, तो ये देखो गाइस ये वाला सूट है,
जो कि लाइक हल्का सा वैसा नहीं होता, इसमें तो डिज़ाइन है वो बर्गंडी में है, बर्गंडी फ्लोरल्स डिज़ाइन है, फ्लोरल्स और ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है, कॉटन है। इसको जब मैं पहन के मंदिर गई थी ना गाइज, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही प्यारा अनारकली है ये। पूरा मैं आपको दिखा दूँगी गाइज अपने शॉर्ट वीडियोस में ही, ठीक है। आई नो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा पा रही हूँ, आधा आधा, गर्मी की वजह से मेरे को खुजली होने लग गई है। वाओ, दिस इज़ द दुपट्टा जो कि कॉटन में ही है, एंड डिज़ाइन आप देख लो पूरा फ्लोरल में डिज़ाइन है। एंड यस, बिल्कुल भी कोई मिक्सी पिक्सी नहीं है इसमें, इट्स प्योर 100% कॉटन। गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, मैं वैसे ऐसे अनारकली ले तो लेती हूँ, पर मैं कभी भी ना ये जो उसके साथ ये प्लाजोज आते हैं मैं कभी नहीं पहनती हूँ। मैं अपने प्लाजोज घर में पहन लेती हूँ, या तो मम्मी को दे देती हूँ या भाभी को दे देती हूँ, बट मुझे अनारकली ना ऐसी ओपन वेयर करना पसंद है। लाइक अंदर से मैं वो टाइट्स होते हैं वो पहन लूँगी, बट मुझे ना प्लाजो के साथ अनारकली पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी गर्मी लगती है ना मुझे, आई लाइक खुला खुला नीचे से यू नो, और बिल्कुल हवा चले तो बस वाली फीलिंग आए, मतलब अच्छा लगे बिल्कुल वैसा। सब कुछ बंद बंद ना आई डोंट लाइक, जैसे अब ये तो है ही अनारकली, सो ऑब्वियसली ये फुल्ली कवर्ड, एंड नीचे से फिर प्लाजो पहन लेंगे तो भाई टांगे भी कवर्ड, फिर दुपट्टा ले लेंगे तो भाई गर्दन वर्दन सब कवर्ड। भाई आई डोंट नो लोग कैसे पहन लेते हैं, मेरे से नहीं पहना जाता। मेरे को फिर भी थोड़ा सा यू नो आई वॉन्ट कि मेरी स्किन ब्रीद करे, ताज़ी हवा ले, तो इसीलिए मैं प्लाजोज नहीं पहनती हूँ। जो स्ट्रेट सूट्स होते हैं ना, जो साइड साइड से कट वाले, उसमें मुझे पहनना पड़ता है मजबूरी में, इसीलिए आई डोंट लाइक ए लाइन सूट्स का, क्योंकि प्लाजो पहनना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली अनारकलीज। क्या आप भी ऐसी हैं मेरी तरह, कमेंट में बता देना। चलो गाइस दिस इज इट, ये थी मिंत्रा अमेज़ॉन हॉल, कैसा लगा आपको, और इनके लिंक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, एंड मैं यहाँ पे या यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के ना पिक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको ईजी हो जाए कि मैंने कहाँ से परचेस किए, और नेम वगैरह वहाँ पे मेंशन होगा अगर मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर पाई तो। मैं कभी कभार भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं फटाफट वीडियो अपलोड करके एंड देन आई एम लाइक चलो इट्स डन, लैपटॉप बंद, और मैं चली जाती हूँ स्टूडियो। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, भाइयों बहनों सबको हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। लड़कों के लिए ये मैसेज है कि अपनी बहनों को बहुत प्यार दें, सपोर्ट करें, कभी भी मत रुलाना बहनों को, ठीक है। और बहनों के लिए ये मैसेज है लड़कियों के लिए कि भाइयों को ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारा प्यार दें, भाई जो बोलता है करने के लिए, घर का काम सारा काम करना बहनों लड़कियों, ठीक है। और भाइयों के लिए भी है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दो अपनी बहनों को भी, ठीक है, ये नहीं कि बैठे बैठे ये ला वो ला, ठीक है गाइस। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।